नील तुम समझ नहीं पा रहे हो, चाहत ने आज भी तुम्हें इसीलिए पूजा के माने घर भेजा ताकि जब मेरी और नवेली का निकाह हो तो तुम्हारा परिवार यहाँ ना हो। मैंने कहा ना ये सब झूठ है, कहा ना। इसके अपने अपना अपराध स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन तुझे तुझे अपनी कजियान का पाप नजर नहीं आ रहा है। मामी, मामी मैं यहाँ नवेली की इज्जत बचाने ही आई थी। बस चाहत, बस तू इस तरह से मेरी नजरों से गिरेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जो प्यार इस घर ने तुझे दिया, जो प्यार मैंने तुझे दिया, कहाँ कमी रह गई उसमें। आखिर दिखाई दिया ना तूने अपना असली रंग। नहीं मामा जी, मामा जी मैं कभी ख्वाब में भी नवेली के साथ कोई फरेब करने का नहीं सोच सकती। मेरी बहन जैसी है वो, मैं क्यों नवेली के साथ कुछ ऐसा करूंगी। खबरदार, खबरदार कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश की तो। मामी, मामी मेरी चल, दूर हट, इसे हाथ में लगाने की कोशिश मत करना। मामा जी, मामी जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप तो जानते हैं ना चाहत को। मामा जी क्या कुछ नहीं किया उसने इस घर के लिए। जो भी अभी सोच रहे हैं ना वो गुस्से में सोच रहे हैं। चाहत को मामा जी फंसाया जा रहा है। वाह गजाला जी, कहीं सच में तो शादी नहीं करवा दी आपने इस सादे दिमाग वाली की। खुदा खैर करे, साहिल की जिंदगी बर्बाद थोड़ी करूंगी मैं। ये सब तो महज एक नाटक था। माना कि ये शादी नकली है, लेकिन चाहत को अपनी जाल में फंसाने के लिए जरूरी है कि लोगों को ऐसा लगे कि वाकई में निकाह हो रहा है। आपके घर वालों को चाहत के खिलाफ भड़का दिया है, अब आगे क्या करना है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। नवेली नहीं है यहाँ पे, नवेली ले गए नवेली को।